नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन राठौर। हमारी मैथ्स मेंटल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज अपन बड़े ही आसान तरीके से 14 का भाजकता का नियम देखने वाले हैं। इससे पहले अपन 2 से 13 तक के भाजकता के नियम देख चुके हैं। शुरू करते हैं फटाफट। देखो पहले अपन 14 का भाजकता का नियम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो 14 है, ये सम संख्या है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 7 आएगा, यानी कि 2 × 7 = 14। यानी कि जो संख्या 2 और 7 दोनों से पूरी पूरी बार विभाजित होगी वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। यह तो हो गया इसका स्टेटमेंट। क्या हो गया? जो संख्या 2 और 7 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी वह 14 से भी विभाजित होगी। यहां पर लिखूं, देखो जो संख्या 2 व 7 से पूर्णतया विभाजित होगी, वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। देखो यानी कि जो संख्या 2 और 7 से पूर्णतया विभाजित होगी वह 14 से भी विभाजित होगी। क्लियर? लेकिन समस्या, अपन को तो 7 का भाजकता का नियम ही याद नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना, 2 और 7, 2 का तो याद होगा ना, नहीं है? चलो बता रहा हूं, 2 का भाजकता का नियम मैं बता देता हूं। ये लो 2 का भाजकता का नियम। किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यानी कि सम हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। क्लियर? जैसे कि 14, 28, 76 वगैरह वगैरह। अब 7 का भाजकता का नियम देखते हैं। देखो 7 का भाजकता का नियम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, है ना। देखो 2 का भाजकता का नियम हो गया। अब अपन चेक करते हैं 7 का भाजकता का नियम। 7 का भाजकता का नियम देखो, मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर बताता हूं। यदि किसी संख्या के स्टेटमेंट लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को, यानी कि कोई संख्या है उसका इकाई का अंक, इधर देखो, इधर किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते हैं, यानी कि जो इकाई का अंक है उसको करेंगे पहले दुगना, फिर जो बाकी संख्या बची उसमें से घटाएंगे, है ना, और तब तक घटाते हैं और तब तक घटाएंगे जब तक कि अंतिम संख्या 7 से विभाजित संख्या नहीं आ जाए। ठीक है, उसको घटाते रहेंगे, यानी कि लास्ट का जो इकाई का अंक है उसका दुगना करके बाकी में से घटा देंगे, फिर जो संख्या है उसका इकाई का अंक का दुगना करके घटाएंगे, है ना। अगर संख्या 7 से विभाजित आती है, यदि अंतिम संख्या, दोस्तों सबसे शानदार मेथड है, अंतिम संख्या 7 से विभाजित या 0 आ जाती है तो
उपरोक्त संख्या, उपरोक्त संख्या सात से विभाजित होगी। समझ में आया? यानी कि जो अगर लास्ट में संख्या वो सात से विभाजित आ जाती है तो उपरोक्त संख्या सात से विभाजित होगी, वन अन्यथा नहीं होगी। एक एग्जांपल से अपन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2016 ले लेते हैं, 2016 चेक करते हैं ये सात से विभाजित है या नहीं है। तो देखो 2016 में सात से विभाजित, अपन ने देखा कि इस संख्या में दो का और अगर सात का भाग चला जाए तो संख्या में चौदह का भाग भी चला जाएगा। चौदह का भाजकता का नियम चेक करते हैं अपन, है ना। तो देखो दो का भाजकता का नियम क्या है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या हो तो उस संख्या में दो का भाग चला जाएगा। 2016 में जो 6 है वह सम है कि नहीं, है ना, सम है, तो इसमें दो का भाग चल गया भैया। अब सात का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा चेक कर रहे हैं। तो देखो 2016 में इकाई का अंक क्या है, 6, 6 का दुगना कितना हुआ 12। अब 12 को 201 में से अपन को घटाना है, तो देखो 201 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 89, 189, ठीक है। वापस 189 का तो 9 का दुगना करेंगे, 9 का दुगना 18, शेष क्या बचा 18, 18 में से 18 घटाया तो 0, और वहां पर 0 आ गया, 0 यानी कि संख्या 7 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 7 से विभाजित है तो 14 से भी विभाजित है। आइए आंसर देखो, मैं आपकी मन की तसल्ली के लिए एक संख्या को भाग दे के बता भी देता हूं। देखो 2016 ये रहा, भाग दे रहे हैं इसमें 14 का, पूरे दशकगण बिठा दिए ऐसे कैसे, ठीक है। 20, 14 का पहाड़ा बोलो कि या तो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, आ सकता है 14 भी समय और 20 है ना, तो 14 एकम 14, 14 दुना 28, अगला 28 20 से ज्यादा हो गया, एक बार ही भाग दे लो अपना क्या जा रहा, 14 एकम 14, 20 में से 14 गया तो बचा 6 के 8, 6 ऊपर से उतारा 1। अब भैया 61 है विषम संख्या और 14 है सम संख्या, 14 का पहाड़ा मर जाए जहां तक बोले तो भी विषम संख्या नहीं आए, नहीं आए ना, तो अपन एक काम करते हैं 14 का पहाड़ा बोलते हैं कि या तो 61 आ जाए या 61 से कम ही आएगी, कम लेंगे, है ना। 14 एकम 14, 14 ना 28, 14 3 44, 14 4 56, 14 75, 70, और वहां पर 70 ज्यादा हो गया, 14 चौक ही ले लेते हैं ना, 14 एकम 14, 14 ना 28, 14 3 44, 14 4 56, ये भाई ले 56, ऊपर से उठा तो कितना बचा 61 में से 6 गया तो 5, ऊपर से आया 6, ओहो 14 चौक 56, पूरी पूरी बार कट गया, मजा आ गया, ऐसे ही आंसर आ गया। देखो ये पूरी पूरी बार 14 का भाग 2016 में दिया था 144 आया। दोस्तों इसी तरह आप बाकी संख्या भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो जो आई बटन है, आई बटन में मैं डिविजिबिलिटी रूल्स है उसका लिंक भी दे दूंगा ना, ठीक है। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।